अब नहीं होगा जैसल पार्क चौपाटी का निजीकरण। जैसल पार्क चौपाटी के निजीकरण के चौतरफा विरोध को देखते हुए भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने बुधवार को सुबह 7 बजे चौपाटी पर चौपाल का आयोजन किया था। चौपाटी के निजीकरण के विरोध में सैकड़ों की संख्या में वहां लोग उपस्थित हुए थे। मेहता ने चौपाटी के देखरेख पर सालाना 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने का हवाला देते हुए उसके निजीकरण की पुरजोर वकालत की, लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने मेहता की कोई दलील नहीं सुनी और निजीकरण का विरोध जारी रखा। चौपाटी के निजीकरण का विरोध कर रहे चौपाटी बचाओ समिति, जैसल पार्क कल्याण समिति, राजस्थानी जन जागरण सेवा संस्था के कार्यकर्ताओं का इस मुद्दे पर आक्रामक रूप स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि चौपाटी के निजीकरण के विषय में लोगों की भावनाओं को जानने के लिए इस चौपाल का आयोजन मनपा सदन में इसका प्रस्ताव लाने से पूर्व करना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने सदन में बहुमत के अहंकार में इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों की भावनाओं को समझना जरूरी नहीं समझा था। हालांकि इस चौपाल में मेहता को अच्छी चपत लगी और लोगों के आक्रोश के आगे घुटने टेकते हुए मेहता ने उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि महापौर डिंपल मेहता को उक्त प्रस्ताव रद्द करने के लिए कहेंगे। आदरणीय कामराज साहब ने बोला कि इस मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए मैं चाहूंगा बराबर बोल बोल मैं चाहूंगा कि 1100-1200 करोड़ की महानगर पालिका में से 1.5 करोड़ रुपए खर्चा समझो महानगर पालिका में होता है, जिसको आप हार्ड बोलते हैं, तो मेरे को लगता है करना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। दूसरा बात है कि जो स्टॉल या इधर जो बालाजी जैसा मैदान है, बालाजी मैदान जो है उसमें 100% कार्यक्रम है, सार्वजनिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, उसको समझो किसी वाले में दिया तो उसका प्राइवेटाइजेशन करने से बिजनेस होगा। इसके लिए इस चीज को महानगर पालिका एक सेवा बोल के अपने अंदर रख के उसको डेवलप करे। पूरे शहर में सुपर प्लग कराती है। आप खर्चा अभी 4 करोड़ का कर रहे हैं, इससे पहले भी यहाँ 4 करोड़ का खर्चा हुआ है जिससे चौपाटी बनी हुई है। तो हमारा पब्लिक की तरफ से निवेदन है इसको इसका रख रखाव महानगर पालिका ही करे। आपको ज्यादा जानते हैं, बहुत सी चीजें आप नुकसान में चलाते हैं, लॉस में चलाते हैं। आज यहाँ की कितनी योजनाएं आप लोग नुकसान में चलाते हैं। और जहां तक आप खर्चे की बात करते हैं, अगर आप खर्चे को रोकना चाहें तो मेरी बात को अन्यथा नहीं ले। आप अपने जनप्रतिनिधियों को विदेश घूमने के लिए भेजते हैं। बहुत सही बात बोला, यहाँ पे फूड स्टॉल लगे, पहले भी विरोध हो चुका है, पुनः आपसे निवेदन है कि यहाँ पे फूड स्टॉल कोई भी हालत में आप नहीं लगाएं। मीरा भयंकर की शान हार्ट जैसल पार्क चौपाटी है, उसकी शान के अंदर हम कोई भी ऐसा काम नहीं करने चलेंगे जिसके अंदर पूरी जनता, जिसको कोई आक्रोश हो या नाराजगी हो। बहुत अच्छी बात। अगर जनता के हित को और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख के आप लोग या हम लोग कोई कार्य करेंगे तो जनता पूरी आप लोगों का साथ देगी और हम भी सब साथ हैं। इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है। जैसल पार्क रहवासियों के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, चाहे कोई भी, कि जनता की भावना को सुनने के लिए जन प्रतिनिधि खुद यहाँ आए, हमारे मेहता जी खुद यहाँ आए और इनके मन में पता नहीं क्या रहा होगा, लेकिन जनाक्रोश को देखते हुए, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इन्होंने जनता की बात को माना और कहा कि हम ठहराव को रद्द करेंगे। इसके लिए मैं चौपाटी समिति की तरफ से, पूरे मीरा भाईंदर जनता की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जनता की भावना को समझा और हमारे सभी नगर सेवक यहाँ पे उपस्थित हैं। सबकी इच्छा थी कि हम जनता के साथ रहे और हमारी तो सदियों से इच्छा रही है, इसीलिए इतिहास में पहली बार इतना बड़ा बहुमत सरकार ने भाजपा को दिया है तो उसका सम्मान हम रखना चाहते हैं, उसको खोना नहीं चाहते। और जो जनता ने कहा है वही हित में होगा। ऐसे एक बार तो क्या 100 बार 10 कदम नहीं, 1000 कदम पीछे आने को हम तैयार है। जहाँ जनता को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, वहाँ एक नहीं 1000 कदम आने में हम कोई छोटे नहीं समझते और कोई शर्मिंदगी नहीं समझते। हम लोग प्रतिनिधि है और ये बार बार हम जनता के साथ, वहां पे जो लोग बैठे हैं उनको जन प्रतिनिधि को लोगों ने चुन के दिया, वो अपने बुद्धि का उपयोग करके शहर के फायदे के लिए कुछ काम करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जनता की सोच इसके विपरीत होती है। कभी हमें लगता है कि ये गटर की आज आवश्यकता नहीं है, कल कर लेंगे, लेकिन जनता की इच्छा होती नहीं आज ही हो, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ये निर्णय बदलते, सरकारी कामकाज में निर्णय बदलते। इसमें कोई दबाव वाली बात या राजनीति वाली बात नहीं, जिसने चुना है उसके लिए काम करना है तो करना ही है, उसमें कौन से छोटे मोटे और दबाव की बात है। आज क्या अंतिम निर्णय लिया गया मेहता साहब? अंतिम निर्णय ये था कि जो जनता का हित है वही हमारा हित है, ये अंतिम निर्णय।